वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर गया हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आई हुई है। इसकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और कभी गाड़ी चलती है और कभी बंद हो जाती है। तो चलिए इसका क्या कारण है चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने आगे आपको फ्रंट लुक दिखाया है जो कि आप देख पा रहे होंगे। डिस्प्ले पे एक सिंबल भी आ रहा है जो कि एक एक्सीलेटर का सिंबल दिखाई दे रहा है। जैसा कि अभी आप लोगों को पता होगा कि ये किस चीज़ का सिंबल है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो है एक्सीलेटर का सिंबल आ रहा है। तो देखिए ये जो एक्सीलेटर है ये काम करना बंद कर देता है जिसके कारण से जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो चलिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये एक्सीलेटर जो है काम करना जब बंद कर देता है तो ये गाड़ी मूव करना बंद कर देती है। अगर इसी जगह हम लोग चाबी ऑन ऑफ करते हैं या फिर हल्का सा इस पर पुश करते हैं तो देख पा रहे होंगे वो देखिए गाड़ी चलने लगती है और रनिंग कंडीशन में आ जाती है। तो इसका कारण क्या है ये भी हम लोग जानते हैं। कारण इसका ये है कि ये गाड़ी गिर चुकी है या फिर कहीं पर भी इन्होंने गाड़ी को लगाया होगा तो ये एक्सीलेटर जो है यहाँ से दब गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक्सीलेटर का एक कोना बाहर निकल आया और ऊपर का एक कोना अंदर चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो सेंसर लगा रहता है एक हॉल सेंसर लगा रहता है तो मैग्नेट के सेंस नहीं कर पा रहा है। इसके आगे एक मैग्नेट भी लगा रहता है जिसको हम लोग किसी दिन देखेंगे और इसको बताएंगे। तो यहाँ पर ये मैग्नेट सेंस नहीं कर पा रहा होगा। रुकिए मैं आपको मैग्नेट भी दिखा देता हूँ कैसा वो मैग्नेट होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके, इसके आगे एक मैग्नेट लगा रहता है यूँ, और जैसे ही हम लोग इसको घुमाते हैं तो ये मैग्नेट आगे पीछे होता है और यहाँ पर आपको एक सेंसर देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये पूरा मूव करता है। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं और इसको जो है यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं ये एक्सीलेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक नया एक्सीलेटर लगाया है जो कि आप ये देख पाएंगे, और मैंने पुराने को निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे ये प्रॉपरली वर्क करने लगा है। तो एलसीडी की तार थोड़ी सी लूज है इस वजह से आती जाती है, तो ये भी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने एक्सीलेटर को निकाल दिया है, देख पा रहे होंगे ये अच्छी तरीके से मूव करने लगा है। ये पूरा आप देख पा रहे होंगे जो इसकी लाइनिंग है वो आप देख पा रहे होंगे पूरी प्रॉपरली बराबर होगी, क्योंकि जो अभी मैंने इससे पहले आपको एक्सीलेटर दिखाया था उसमें कुछ दिक्कत थी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो इसकी कलर कोडिंग है वो सेम रखी जाती है, कलर कोडिंग में कोई भी दिक्कत ना हो नहीं तो आपका सिंबल आने लगेगा। अगर जैसे मैंने इसको निकाल दिया, जैसे देख पा रहे होंगे आप ये तार को निकालिए, तो जैसे कि आप देख पाएंगे तार को मैंने निकाला तो यहाँ पर सिंबल आने लगा। तो ऐसे ही ये जो पूरा वायरिंग सिस्टम है वो काम करता है। अगर इसके कंट्रोलर में सेंस नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पे एक्सीलेटर लगा है, और एक सर्विस बटन होती है जिससे कि आप गाड़ी चला सकते हैं। तो ये देख पा रहे हैं जैसे इसको दबाएंगे तीन बार तो ये चलने लगेगी गाड़ी। ये सर्विस बटन भी होती है, इसका भी यही काम होता है कि अगर आपका गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप ये सर्विस बटन से इसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे हॉर्न की बटन होती है उस साइड, वैसे ही इस साइड सर्विस बटन होती है। तो आप देख पा रहे होंगे अभी एक्सीलेटर का तार निकला हुआ है इनके हाथ में, आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे कोई भी एक्सीलेटर नहीं लगाया जो कि आप देख पाएंगे। और यहाँ पर एक्सीलेटर का सिम्बल भी आ रहा है जो कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इस बटन को दबाया। सर्विस बटन का यही एक काम होता है कि जिससे कि आपका एक्सीलेटर ख़राब हो जाए तो आप अपनी गाड़ी को स्लो स्लो स्पीड में आप कहीं पर भी चला सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।